हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी बाय अमनीशा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल करेक्टर्स, क्लासिफिकेशंस, सीक्वेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटोलिथ इज अ सेंस ऑर्गन दैट हेल्प इन। स्टेटोसिस्ट एक सेंस ऑर्गन है, संवेदी अंग है, जो कि मदद करता है। ऑप्शन है टैक्टाइल स्टिमुलस, ऑप्शन बी है विजन, ऑप्शन सी है क्यूबिलेरियम, ऑप्शन डी है केमिकल स्टिमुलस। तो स्टेटोसिस्ट एसेंस ऑर्गन है जो कि मदद करता है इक्विलिबेरियम में। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी इक्विलिबेरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लार्वा ऑफ सेक्युलाइना इज कॉल्ड एज। सेक्युलाइना का लार्वा कहलाता है, ऑप्शन है साइप्रस लार्वा, ऑप्शन बी है मेगालोपा लार्वा एंड नॉपलेस, ऑप्शन सी है नॉपलेस साइप्रस एंड कैंट्रोजन, ऑप्शन डी है जुइया। तो सेक्युलाइना का जो लार्वा होता है वो कहलाता है नॉपलेस साइप्रस एंड कैंट्रोजन। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी नॉपलेस साइप्रस एंड कैंट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, डैपनिया इज आल्सो नोन कॉल्ड एज। डैपनिया कहलाता है, ऑप्शन है क्लैम श्रिंप, ऑप्शन बी है फेरी श्रिंप, ऑप्शन डी है वाटर प्लेयर, ऑप्शन डी है टैडपोल। तो डैपनिया ये कहलाता है वाटर प्लेयर। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी वाटर प्लेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, लीपस इज आल्सो नोन एज। लीपस कहलाता है, एलिपस को और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए एक्रॉन ब्रैंकल्स, ऑप्शन बी गूज और सी ब्रैंकल्स, ऑप्शन डी सी ब्रैंकल्स, ऑप्शन डी है रॉक ब्रैंकल्स। तो लीपस को गूज एंड श्रिम ब्रैंकल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी गूज एंड श्रिम सिम ब्रैंकल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, कैंट्रोजन लार्वल स्टेज इज एग्जिबिटेड बाय। कैंट्रोजन लार्वल स्टेज प्रदर्शित होती है, ऑप्शन है स्क्वेला, ऑप्शन बी पेलेमान, ऑप्शन डी यूपेगुरस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो कैंट्रोजन जो लार्वा होती है एग्जिबिट होती है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, क्योंकि ये मोस्टली सेक्युलाइना का लार्वा होता है। तो इसमें ऑप्शन में सेक्युलाइना नहीं है, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट एक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बिकॉज। ज़्यादातर इंसेक्ट यूरिक एसिड को एक्रीट करते हैं, निकालते हैं। ऑप्शन ए मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक, ऑप्शन बी है मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, ऑप्शन सी है द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, ऑप्शन डी है ब्लड इज कलरलेस। तो ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं वो एक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर इनमें टेरेस्ट्रियल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलेरियासिस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मॉस्किटो की प्रजाति जो फाइलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है क्यूलेक्स, ऑप्शन बी है एनाफिलीज, ऑप्शन डी है सी है एडीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो फाइलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है क्यूलेक्स। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्लड रेड एंट। साइंटिफिक नाम ब्लड रेड एंट का साइंटिफिक नाम, ऑप्शन है फॉर्मिका सेंग्विनिया, ऑप्शन बी पॉलीरिगिया रूफिनिस रूफिसेंस, ऑप्शन सी है फॉर्मिका रूफिया, ऑप्शन डी है फॉर्मिका फुसिया फुसका, ऑप्शन ई है सोलेनोपसिस। तो ब्लड रेड एंट जो मतलब ब्लड के समान लाल चींटी होती है, जो लाल है हम कह सकते हैं लाल चींटी जो होती है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है सोलेनोपसिस। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ई सोलेनोपसिस।
व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिसिफिलाई? सिसिफिलाई का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन है एडीज एजेप्टी, ऑप्शन बी क्लोसिनिया पल्पेलिस, ऑप्शन सी क्यूलेक्स पल्पेलिस, ऑप्शन डी ग्लोसिनिया गैम्बियंस। तो सिसिफिलाई का जो कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो ग्लोसिनिया पल्पेलिस। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी ग्लोसिनिया पल्पेलिस। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म आर्थोपोडा वॉज कॉइंड बाई? टर्म आर्थोपोडा दिया गया था, ऑप्शन है लेनियस, ऑप्शन बी डी मोनेट, ऑप्शन सी क्यूबियर, ऑप्शन डी वन साइबोल। तो आर्थोपोडा जो टर्म है दिया गया था वन साइबोल के द्वारा, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी वन साइबोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रैबडोम इज फाउंड इन द आई ऑफ? रैबडोम ये आंखों में पाई जाती हैं, ऑप्शन है अर्थवर्म, ऑप्शन बी है कॉकरोच, ऑप्शन सी फ्रॉग, ऑप्शन डी है रैबिट। तो रैबडोम जो पाई जाती है वो पाई जाती है कॉकरोच की आंखों में, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच। रैबडोम जो होती हैं कॉकरोच की आंखों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट ऑफ इंसेक्ट इज? इंसेक्ट के रिस्पायरेटरी पिगमेंट होते हैं, ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है हीमोरिथ्रिन, ऑप्शन सी है हीमोसाइनिन, ऑप्शन डी है नन। तो जो इंसेक्ट होते हैं, जो इनके रिस्पायरेटरी पिगमेंट होते हैं, वे मोस्टली हम पूछ सकते हैं कि इनमें जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हीमोसाइनिन। तो इसलिए सिम से ऑप्शन नंबर सी हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होता है इनका इनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह ऐड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन? पूर्ण मेटामॉर्फोसिस घटित होती है, ऑप्शन है सिल्वर फिश, ऑप्शन बी है लोकस्ट, ऑप्शन सी बेडबग, ऑप्शन डी है मॉस्किटोज। तो कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो होती है मस्कीटो में, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी मस्कीटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हिस्टोलिसिस एंड हिस्टोजेनेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग? हिस्टोलिसिस और हिस्टोजेनेसिस घटित होती हैं इस दौरान, ऑप्शन है लार्वल स्टेज, ऑप्शन बी प्यूपल स्टेज, ऑप्शन सी है एडल्ट स्टेज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हिस्टोलिसिस और हिस्टोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती हैं ये घटित होती हैं मोस्टली हम कह सकते हैं कि प्यूपल स्टेज में, प्यूपल स्टेज के दौरान, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी प्यूपल स्टेज। प्यूपल स्टेज के दौरान हिस्टोलिसिस और हिस्टोजेनेसिस होती है, इसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन इनमें बनते हैं जो इंसेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द माल्टिंग हार्मोन्स और इग्डाइसोन इज सिक्रेटेड बाई? फ्रॉम माल्टिंग हार्मोन या इग्डाइसोन सिक्रेटेड होता है, ऑप्शन है कार्पोरा इलाटा, ऑप्शन बी प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ऑप्शन सी कार्पोरा एडिपोसा, ऑप्शन डी इंटर सेरेब्रल ग्लैंड्स के द्वारा। तो जो माल्टिंग हार्मोन्स या एग्डाइसोन हार्मोन्स होती हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स के जरिए सिक्रेट होती है, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द जुबेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम? जुबेनाइल हार्मोन सिक्रेटेड होती है, ऑप्शन है कार्पोरा लैटा, ऑप्शन बी कार्पोरा कार्डिया का, ऑप्शन सी कार्पोरा एडिपोस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जुबेनाइल जो हार्मोन होती हैं वे सिक्रीट होती हैं कार्पोरा इलाटा के द्वारा, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए कार्पोरा इलाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्रस्टेशिया आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम इंसेक्ट एंड मैरीपोड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रस्टेशिया? जो कि भिन्न होते हैं इंसेक्ट और मैरीपोड्स से किसकी उपस्थिति के कारण? ऑप्शन ए है फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना, ऑप्शन बी सेकंड पेयर ऑफ एंटीना, ऑप्शन सी नंबर ऑफ लेग्स, ऑप्शन डी जॉइंटेड अपेंडिजेस। तो जो क्रस्टेशियंस होते हैं इंसेक्ट और मैरीपोड्स से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें पाए जाते हैं जॉइंटेड अपेंडिजेस, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी जॉइंटेड अपेंडिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
Horseshoes are king crab are included under the order of horseshoes या king crab ये शामिल है इस ऑर्डर के अंतर्गत. ऑप्शन है इन लाइप्टेरिडिया, ऑप्शन बी है एरेक्निडिया, ऑप्शन सी है पॉलिक्निडिया, ऑप्शन डी है पिकनोगोनिडिया, ऑप्शन डी है जिनोप्सुरा. तो जो किंग क्रैब है वो ऑर्डर जिनोप्सुरा के अंतर्गत आता है. तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ई जिफोसुरा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. लीपस एंड बेलेनस आर इंक्लूडेड अंडर द ऑर्डर ऑफ लीपस और बेलेनस ए किस ऑर्डर के अंतर्गत शामिल है. ऑप्शन है डिकापोडा, ऑप्शन बी है थोरेसिका, ऑप्शन सी है राइजोसिफेला, ऑप्शन डी है एम्फीपोडा. तो लीपस और बेलेनस ये संबंधित है ऑर्डर थोरेसिका के अंतर्गत. तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी थोरेसिका. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कम अंडर सोशल इंसेक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा समूह सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत आता है. ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी हाउस फ्लाई, ऑप्शन सी है टर्माइट, ऑप्शन डी मॉस्किटो. तो सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत आता है इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी टर्माइट. इसमें हाउस फ्लाई भी सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत आती है. तो इसमें हाउस फ्लाई एंड टर्माइट ये दोनों सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स एनिमल विथ जॉइंटेड लेग्स. दे हैव ए बॉडी कैविटी. आर्थ्रोपोडा को शामिल किया गया है जॉइंटेड लेग्स एनिमल के साथ जो कि इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है. ऑप्शन ए है सीलोम, ऑप्शन बी हिमोसील, ऑप्शन सी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ऑप्शन डी स्यूडोसील. तो इसमें जो बॉडी कैविटी पाई जाती है वो पाई जाती है हीमोसेल. तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी हीमोसेल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. एंटीना आर अब्सेंट इन एंटीना अनुपस्थित होते हैं. ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन बी स्पाइडर, ऑप्शन सी प्रॉन, ऑप्शन डी पेरिपेडस. तो एंटीना जो होते हैं वे एब्सेंट होते हैं स्पाइडर में. तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी स्पाइडर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. हेल्टर्स रिफर्स टू हेल्टर्स कहलाते हैं. ऑप्शन है रेड्यूस बिंग ऑफ हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी फोर बिंग्स ऑफ बीटल्स, ऑप्शन सी बैलेंसिंग ऑर्गन, ऑप्शन डी बिंग्स ऑफ हेमिप्टेरा. तो जो हेल्टर्स होते हैं ये कहलाते हैं रेड्यूस बिंग ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई की रेड्यूस बिंग. तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए रेड्यूस बिंग्स ऑफ हाउस फ्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. द टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट इन बेडबग इज. बेडबग के माउथ पार्ट्स किस प्रकार के होते हैं. ऑप्शन ए पियर्सिंग एंड सकिंग, ऑप्शन बी बाइटिंग एंड च्यूइंग, ऑप्शन सी बाइटिंग, ऑप्शन डी स्पॉन्जिंग. तो बेडबग के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वे होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के. तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. फॉर एन इंसेक्ट फीडिंग ऑन बॉडी फ्लूइड्स ब्लड ऑफ द प्रे द माउथ पार्ट शुड बी. इंसेक्ट जो कि बॉडी फ्लूइड या ब्लड को चूसता है या फीड करता है उसका माउथ पार्ट होगा. ऑप्शन ए सकिंग टाइप, ऑप्शन बी स्पॉन्जिंग टाइप, ऑप्शन सी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ऑप्शन डी बाइटिंग टाइप का. तो ऐसा एनिमल जो कि बॉडी फ्लूइड को फीड करता है ब्लड को फीड करता है तो उसका जो माउथ पार्ट होगा वो होगा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का. तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का. तो मित्रों आज की वीडियो में हमने आर्थ्रोपोडा से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया. अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.